बहुत बड़े हैं सपने, चलो आकाश की बात करते हैं। अंधेरी रातों में हम प्रकाश की बात करते हैं। हो उज्जवल भविष्य हमारा, हम इतनी सी आस रखते हैं। मंजिल तो मिल जाएगी एक दिन, चलो आगाज की बात करते हैं। चलो आगाज की बात करते हैं। 2009 में नींव रखने के बाद और कई उतार चढ़ाव और मुश्किलों को पार करके 2016 में हुई स्थापना एक विश्व स्तरीय संस्थान की, जिसे हम सब आज श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज मैं आपको हमारे कॉलेज और अस्पताल के इसी प्रगतिशील सफर से रूबरू करवाता हूँ। 2016-17 में MCI से मान्यता प्राप्त करने के बाद डॉक्टर DS धीमान के नेतृत्व में शुरू हुआ यहाँ का पहला MBBS सत्र। हमारी शुरुआत मात्र 100 छात्रों से हुई थी, पर आज हमारा ये परिवार बढ़कर 500 से अधिक छात्रों का हो गया है। 2018 में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हमारे अस्पताल का उद्घाटन किया, जिससे हिमाचल की स्वास्थ्य प्रणाली और मजबूत हो गई। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, अच्छे वार्ड्स, CT स्कैन आदि सुविधाओं से ना जाने कितने ही लोगों का भला हुआ है। इसी प्रगतिशील वृद्धि के चलते हमारे यहाँ कैंसर हॉस्पिटल का भी निर्माण चल रहा है, जिससे ना जाने कितने ही और लोगों का भला होगा। अस्पताल से आगे चलकर अगर बात करें कॉलेज की, तो हमारे पास शिक्षा के क्षेत्र में भी सुविधाएं कम नहीं है। कर्मठ अध्यापकगण, उच्च कोटि के लेक्चर हॉल, आधुनिक लैब्स एवं छात्रों के लिए लाइब्रेरी भी निर्मित की गई है। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। विविधता में एकता, मेरी माने तो ये चंद शब्द श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज परिवार की परिभाषा बन सकते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा, अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ खेल कूद की भी अच्छी व्यवस्था है। हर साल यहाँ वार्षिक खेल समारोह पराक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई खेल आयोजित किए जाते हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए तो हमारे यहाँ जिम एवं रिक्रिएशनल हॉल भी है, जो छात्रों के लिए स्ट्रेस बस्टर के समान है। स्ट्रेस बस्टर की बात हो और आयरिस का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? आयरिस श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कल्चरल फेस्ट है, जहाँ कई कल्चरल, स्पोर्ट्स एवं लिटरेरी इवेंट्स का आयोजन किया जाता है। इसमें हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेजेस से विद्यार्थी आते हैं, हिस्सा लेते हैं एवं अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं। आयरिस की शुरुआत 2019 में डॉक्टर रजनीश पठानिया जी के नेतृत्व में हुई थी। कहने को तो हम उस समय केवल 2 बैच थे, परंतु सभी के योगदान ने आयरिस को सफल बनाया था। 2019 के बाद बात आती है सबसे डरावने वर्ष की, वर्ष 2020 यानी के कोरोना काल। जहां कोरोना काल में पूरा विश्व थमसा गया था, वहीं हमारे डॉक्टर्स अपनी जान पर खेल के अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। कोरोना काल में भी हमारे कॉलेज में कई वेबिनार्स आदि आयोजित किए गए थे। कोरोना काल में हमारे सीनियर्स यानी 2017 बैच ने भी काबिले तारीफ काम किया था। अंततः हमने कोरोना को हरा दिया और सब वापस से पहले जैसा हो गया। इसी के साथ हम भी पूरे जोश के साथ लेकर आ गए हैं आयरिस फेस्ट, आयरिस 2022 फेस्ट को आयोजित करने और हमारा कदम कदम पर मार्गदर्शन करने के लिए मैं तहे दिल से अपने प्रिंसिपल श्री राजेश भवानी जी और अपने अध्यापक गणों का शुक्रगुजार हूँ। अगर वो ना होते तो ये सब मुमकिन ना होता। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला और हमारी खुशी का हिस्सा बने। मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह हमारा कॉलेज प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे और हम अपने अध्यापकों एवं कॉलेज का नाम रोशन करें। धन्यवाद।